नमस्कार, मैं सोनी ओझा, आप देख रहे हैं INN24 न्यूज। चलिए रुख करते हैं झारखंड की खबरों की ओर। गिरिडीह जिला के जमुआ प्रखंड अंतर्गत चिलगा पंचायत के चिरुडी गांव में संचालित उत्क्रमित प्राथमिक विद्यालय के बारे में वहां के स्थानीय ग्रामीणों में काफी आक्रोश है। ग्रामीणों के नाम सामने नहीं लाने की शर्त पर बताया कि विद्यालय के शिक्षक कैलाशपति वर्मा, जो कि दबंग किस्म के व्यक्ति हैं, जिसने फर्जी तरीके से अपने पुत्र रवि कुमार वर्मा को विद्यालय प्रबंधन समिति का गुपचुप तरीके से अध्यक्ष बना रखा है। मध्याह्न भोजन भी मेन्यू के अनुसार नहीं दिया जाता। 15वीं वित्त से हैंडवॉश जैसे तैसे बना दिया है, जिसके लिए 1,49,800 रुपए की निकासी कर ली गई है। विद्यालय भवन मरम्मती के नाम पर आई राशि से कहीं मरम्मती नहीं की गई। शौचालय का रख रखाव के अभाव में जर्जर हो गया है। विद्यालय भवन के दीवार में दरार आ गई है। विद्यालय बंद मिलने पर जब उनसे INN24 रिपोर्टर बजरंगी महतो ने प्रबंधन समिति के अध्यक्ष रवि कुमार वर्मा से फोन कॉल के माध्यम से संपर्क साधा, तो उसने हिटलर जैसे जवाब दिया। विभाग तुरंत इस विषय पर संज्ञान लेकर कार्रवाई करे, ताकि विद्यालय लूट का अड्डा बनने से बच जाए।